एक्सेल के अंदर में हम बात कर रहे हैं नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेट किस तरह से नंबर की फॉर्मेटिंग की जाती है, आज हम इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। नंबर जैसे कि आप नंबर यहाँ पे टाइप करते हैं तो टाइप करने के साथ वो जनरल हो जाता है, लेकिन इसको आप अपने हिसाब से अलग अलग फॉर्मेट में रख सकते हैं। तो नंबर फॉर्मेट में अगर आप यहाँ आते हैं तो सबसे पहले यहाँ आपको जनरल दिखता है। जनरल मीन्स कि जैसा आपने लिखा ना सेम वैसा ही रहेगा, उसको हम जनरल कहते हैं। जनरल के बाद हमारे पास ये नंबर यहाँ पे आता है। नंबर इसमें आप यहाँ डेसिमल प्लेसेस दे सकते हैं कि इसके कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, ये डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ थाउजेंड सेपरेटर है कि मैंने यहाँ डाला तो जहाँ देखिए यहाँ पे ऊपर थाउजेंड सेपरेटर लग गया। उसके बाद आपका अगर वैल्यू निगेटिव में हो तो क्या दिखना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, वो यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ गौरव जी एंड आनंद जी कि हम कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं जो हमारा एक्चुअल वैल्यू ऊपर यहाँ दिख रहा है ना वो सेम होता है। यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी चेंज होती है, ओरिजिनल चेंज नहीं होता है। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो क्या होगा कि माइनस होने तक कलर रेड हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो माइनस ही रहेगा, कैलकुलेशन और बाकी चीज सारे माइनस पे ही करेगा। करेंसी में आप करेंसी की सैंपल को यहाँ पे डाल सकते हो जो सैंपल चाहिए, बाकी सब वही होता है। अकाउंटिंग में आप जस्ट अकाउंटिंग के अंदर जस्ट सिंबल आप डाल सकते हो और डेसिमल प्लेस। देखिए अकाउंटिंग का ऐसे यूज हम लोग करते थे, हम यहाँ पे रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाते हैं आपके सामने और यहाँ पे हम डेटा ले लेते हैं। अभी मेरे डेटा में क्या है कि बहुत सारी जगहों पे जीरो आएगा, आप देख रहे होंगे बहुत सारी जगहों पे जीरो है, यहाँ जीरो है, मान लीजिए यहाँ जीरो है, मान लीजिए यहाँ जीरो है। तो अगर अकाउंटिंग में जाते हैं और हम यहाँ पे सिंबल लेते हैं करेंसी सिंबल तो करेंसी सिंबल दिखेगा, लेकिन मैं नल कर देता हूँ, डेसिमल प्लेसेस रखना है तो रखिए, दबा जीरो कर दीजिए, तो क्या होगा कि डैश यहाँ जीरो यहाँ डैश बन गया। देखिए विजुअल में एक्चुअल में जीरो ही है, क्योंकि मैं थोड़ा देर पहले बताया कि किसी तरह की फॉर्मेटिंग आपकी विजिबिलिटी को चेंज करता है, ओरिजिनलिटी को चेंज नहीं करता है। ओरिजिनल जो वैल्यू है वो वैल्यू ही रहेगा, उसकी जस्ट विजुअल को ही चेंज हुआ, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डेट है, यहाँ से आपने डेट जो टाइप कर दी, मान लीजिए कि मैंने आज का सिस्टम डेट टाइप कर दिया, यहाँ पे डेट ऐसा आया, आप अपने हिसाब से डेट का जो फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट यहाँ से चूज कर सकते हो। और साथ में अलग अलग कंट्री का अलग अलग फॉर्मेट है, वो आप फॉर्मेट यूज कर लीजिए। जैसे इंग्लिश में मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ले लिया, तो यूनाइटेड स्टेट का आप देखेंगे अलग है, क्योंकि मोस्टली आपके सिस्टम में यूनाइटेड स्टेट ही रहा होता है मेरा, लेकिन मेरा इंडिया है क्योंकि मैंने इंस्टॉल करते समय रीजन इंडिया सेलेक्ट कर लिया, इस कारण से इंडिया है। उस यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो उसी फॉर्मेट में आपका है, इसको सेलेक्ट करके ओके किया तो ये देखिए इस तरह का डेटा है। उसी तरह के टाइम, अगर यहाँ पे किसी तरह का टाइम यहाँ डालते हैं तो टाइम का ये फॉर्मेट उसी तरह से होता है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइम। और टाइम के भी अलग अलग कंट्री और अलग अलग लैंग्वेजेस का है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे एग्जांपल के लिए मैं किसी का ओवर टाइम निकालना हूँ, 35 घंटे 20 मिनट और 36 सेकेंड मैंने ओवर टाइम निकाला, दिख रहा है। अब गलती से किसी ने इसको जनरल फॉर्मेट पे कर दिया और फिर उसके बाद अगर आप टाइम फॉर्मेट पे जाते हो और टाइम सिलेक्ट करते हो, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो आप देखोगे कि 11 दिखेगा, मतलब कि 24 आवर से ऊपर का टाइम यहाँ नहीं दिखेगा। अब 24 ऊपर से आवर का टाइम चाहिए तो यहाँ पे आपको इंग्लिश यूएसए लेना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद आप यहाँ पे यहाँ दिख रहा होगा 37.3055 का जो फॉर्मेट है इसको अप्लाई करेंगे तब जाके आपका ये टाइम दिखाएगा 24 आवर्स से ऊपर। गौरव जी, आनंद जी, कोई डाउट इसमें? नो सर। तो ये आपका टाइम का फॉर्मेट है, उसका यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा 2.5 और मैं
चाहता हूं अपने फॉर्मेट में और इसके फ्रैक्शन में, मान लीजिए मैंने हाफ लेवल, अलग अलग लेवल्स है, मैंने हाफ लेवल को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। देखिए 2 1/2 तो यहाँ पे 2 1/2 दिखेगा। तो फ्रैक्शंस का ऑप्शन होता है, इसका साइंटिफिक नॉर्मल है टेक्स्ट। टेक्स्ट और कस्टम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है, तो या फिर मान लीजिए मुझे चेक नंबर ही लिख लो, अकाउंट नंबर छोड़ते हैं, चेक नंबर ही लिखना है। तो चेक नंबर जब टाइप करेंगे तो जनरली चेक नंबर 6 डिजिट का होता है, लेकिन कभी कभी 4 डिजिट का होता है और आगे 0 लगा रहता है, तो 004512। तो क्या बोल रहे हैं गौरव जी, एंटर मारने पे क्या रिजल्ट आएगा? 00 हट जाएगा, 00 हट जाएगा। तो किसी भी नंबर के आगे आप 0 नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे इसके लिए? वो एक मार्क लगाते हैं ना इधर छोटा सा साइड में, कोटेशन मार्क लगा के आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, तो ले लेगा। तो इसको होने से क्या हो गया, एक टेक्स्ट बन गया। क्या बन गया? टेक्स्ट, नॉन कैलकुलेटिव डेटा, ऐसा डेटा जिसपे कोई कैलकुलेशन नहीं होना है, इसलिए बता भी रहा है कि नंबर स्टोर एज ए टेक्स्ट। अब मुझे पूरे कॉलम में चेक नंबर लिखना है तो हर बार एक सिंगल कोड लगाना थोड़ा सा टिपकल्ड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल पे गए, टेक्स्ट है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो टाइप हो चुका है ना वो नंबर ही रहेगा, टेक्स्ट नहीं होगा, समझे? तो फॉर्मेटिंग अप्लाई होने के बाद अब मैं यहाँ पे सिंगल कोड लगाने की जरूरत नहीं समझता, समझ गया सर? समझ गया जी, बढ़िया, ये चीज चलिए। अब बात आती है कि किसी ने आपको ऑलरेडी चेक नंबर भेजा है जिसमें उसने 0 का पालन नहीं किया, अब इसको आपको प्रिंट आउट निकाल के बैंक के एनेक्सर में भेजना है। जैसे कि मान लीजिए ना कि आप लोग बैंक में चेक सबमिट करने जाते हैं, तो 1-2 चेक होता है तो उसके आगे स्लिप लगा देते हैं ना आप सर, लेकिन जो कलेक्शन एजेंसियां हैं, पेमेंट रिकवरी करने वाले हैं, जिनके पास डेली बेसिस में 1000-2000-1500 चेक्स आते हैं, तो क्या लग रहा है 1500 चेक्स के ऊपर उसका चेक का स्लिप होता है वो फिल करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा ना सर? तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, प्रिंट आउट करते हैं पूरी चेक की डिटेल, सीक्वेंस नंबर से प्रिंट आउट में लगा के दे देते हैं, एक पेज में प्रिंट कर दिया, 1-2 पेज में प्रिंट कर दिया और उसके साथ चेक को लगा दिया, और हर चेक पे जो अकाउंट नंबर और बाकी चीज गला हुआ रहता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ आपको प्रिंट आउट निकालना है, तो उस केस में हम यहाँ कस्टम फॉर्मेट का यूज करेंगे। कस्टम फॉर्मेटिंग में हम अपने हिसाब से जो कोड डालेंगे उस कोड के हिसाब से आपका आएगा। तो हमने 6 टाइम डाला और देखिए आपके सामने रिजल्ट आ गया, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जस्ट विजुअल है, ओरिजिनल नहीं। उसी तरह से मैं यहाँ मोबाइल नंबर टाइप कर रहा हूँ और मोबाइल नंबर जो है मैं चाहता हूँ इसमें +91 लग जाए, क्योंकि मैं +91 लगा के जब मोबाइल नंबर को टाइप करता हूँ तो क्या होता है, इस तरह का फॉर्मेट आ जाता है, प्लस हट जाता है या साइंटिफिक फॉर्मेट में आ जाता है, ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इसको सिलेक्ट करके कस्टम में गए और यहां पे मैंने क्या किया, +91 और इसमें एक हैश या 0 दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 8802579388+91 लग गया। ऐसे मान लीजिए मैं मीटिंग आईडी डालना चाहता हूँ या कोई आईडी है, क्योंकि 3 डिजिट के बाद
ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, डैश लग जाए। तो यहां पे हम जाएंगे 1 2 3 डैश 1 2 3 डैश 1 2 3, ठीक है, देन ओके। अब मैं यहां पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंटर मारिए, देखिए आ गया अलग डैश। अब बात आती है अकाउंट नंबर। अच्छा यहां तक चीजें समझ में आ रही है ना, ऐसा नहीं कि मैं क्या बोलते हैं श्री सत्यनारायण की कथा बाजता रहो, आप चीज करते रहे, समझ में आ रही है ना आप लोगों को? आ रही है, समझ में आ रही है खुद। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर डालते हैं, तो अब अकाउंट नंबर जनरली आपका जो है 13-14 डिजिट का होता है ना सर, क्योंकि जैसे यहाँ पे आप मोर देन 11 डिजिट डालते हो, 10-11 डिजिट तक तो यहाँ पर नंबर आपका शो कर देता है, 11 डिजिट से ज्यादा डालते हो तो इस तरह का साइंटिफिक फॉर्मेट बन जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कस्टम पे जाना है, कस्टम पे और एक हैश दबा देना, ठीक है, या नंबर फॉर्मेट में जाके अब यहाँ जीरो कर दीजिए, फिर भी काम चलेगा। रिजल्ट आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप 15 डिजिट से ज्यादा डालते हैं, यहाँ देखिए मैं यहाँ पे डालता हूँ 3, एंटर मारते देखिए 3-0 हो गया, मतलब अब 8 के बाद जो भी नंबर डालूंगा मैं वो सब के सब 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा कि नंबर फॉर्मेट के, नॉर्मल फॉर्मेट में आप 15 डिजिट से ज्यादा नंबर नहीं डाल सकते। अगर आप ज्यादा डालते हैं तो डाली गई नंबर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 0 0 तो अगर आपको इसके 18 डिजिट का क्रेडिट कार्ड, 16 डिजिट का क्रेडिट कार्ड, 18 डिजिट के अकाउंट नंबर से कुछ डालना है तो आप सिंगल कोड डालें और 32,767 तक कोड डालते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं बात, जैसे कि मैंने यहाँ मोबाइल नंबर भी डाल दिया लेकिन यहाँ पे नंबर डालता हूं, बात करते हैं कि अब जीरो और हैश का क्या फंडा है, और क्या फंडा है आपका एक कस्टम का। देखिए आपने जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1500, तो 1500 क्या हो गया, अमाउंट है। तो अगर मुझे 1500 के आगे जैसे एमआरपी 1500 चाहिए, तो आपने मैनुअली एमआरपी 1500 लिख दिया तो इसके ऊपर किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कोई भी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि 1500 ही रहे, लेकिन शो हो एमआरपी 1500, तो उस केस में हम इसके इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा में जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, किसी भी तरह के टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिएगा तो रिजल्ट आपके सामने आएगा। बट प्रॉब्लम है कि सिर्फ एमआरपी दिख रहा है, नंबर नहीं दिख रहा मेरा। तो नंबर तब दिखेगा कि जो प्रीफिक्स सफिक्स लगाना चाहते हैं उसके आगे और पीछे जीरो या हैश देते हैं। जीरो दीजिए फिर भी नंबर दिखेगा, हैश दीजिए फिर भी नंबर दिखेगा, कोई फर्क नहीं होगा। फर्क तब होगा जब आप डिजिट बढ़ाते हैं, तो जैसे मैं जीरो में यहाँ 1 2 डिजिट 2 0 डाल दिया, अब फर्क हो जाएगा। मतलब कि मैं यहाँ पे 5 डालूंगा तो 0 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ 2 0 किया हुआ है, मतलब कि 2 डिजिट को मेंटेन किया हुआ है। अगर मैं इसको 2 बार हैश डाल देता हूं तो फिर 5 दिखेगा, आपका 0 नहीं दिखेगा, क्योंकि ये डिजिट मेंटेन नहीं करता। तो आपको समझ में आया सर गौरव जी, 0 0 हैश का मतलब? जी बिल्कुल आ गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे 15 रुपए 35 पैसे लिख दिया। अब इसको चलिए बताते हैं, कस्टम में आए और मैंने यहाँ पे 0 हैश दिया, क्या दिया, 0 हैश, और यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा में दिया रुपीज और फिर .00 पैसे, एंटर मारिए, ये आपको 15 रुपए और 35 पैसे आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने इसके अंदर 0 हैश क्यों दिया, हम डबल हैश भी दे सकते थे या सिंगल हैश भी दे सकते थे,
उसे प्रॉब्लम कब होती, जब मैं अमाउंट को रुपीज में लिखता, इसपे सिर्फ पैसे में लिखता तो रुपीज 50 पैसे थोड़ा सा और लग रहा है, तो मैं यहाँ पे 0 दे देता हूँ, तो 0 देने से 0 रुपीज 50 पैसे आ गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं यहाँ 5 रुपए 35 पैसे डालता हूँ, 0.5 नहीं आ रहा है, 0.5 आना चाहिए, तो चलो मैं 00 लगा देता हूँ, तो 00 लगाने से तो आ गया 0.5। पर प्रॉब्लम यह है कि फिर मैं पैसा सिर्फ लिखूंगा तो 0 रुपीज पे आएगा पैसा आएगा, जो कि थोड़ा सा ऑड लग रहा है। तो यही लिए यहाँ पे हम एक हैश और एक जीरो दे देंगे, ताकि वो डिजिट ना होने पे सिर्फ एक जीरो दिखाएगा, और सिंगल डिजिट अगर डाल देते हैं तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है सर? ठीक है, ठीक है। अब 1000 सेपरेटर की बात करते हैं। जैसे 25,000 हमने लिखा हुआ है और यहाँ कॉमा लगाते हैं तो याद आता है ना सर? लेकिन मुझे अमाउंट को 1000 में ही कन्वर्ट करना है, तो कस्टम पे जाना है हमें और इन्वर्टेड कॉमा नहीं सॉरी एक हैश और कॉमा, और इसके बाद दे दीजिए के, ये आ गया 25K। अब मैं 1000 मुझे ऐड करना है, इसको सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किए, देखिए 26K आ गया। अगर अमाउंट आपके पास बहुत बहुत बड़ा है तो इसमें आप इसको मिलियन में कर सकते हैं, जैसे 0.00 और डबल कॉमा, तो 12.42 आ जाएगा, 12.42। ये आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,00,000,10,00,000 करोड़ है। तो इसमें क्या किया, 12.42, क्योंकि 1,24,00,000 है तो करके 12 मिलियन हुआ। क्या सर? 10,000 मतलब कि 100K इक्वल टू 1 मिलियन, समझे सर? बिल्कुल। इंडियन फॉर्मेट में नहीं देगा वो, करोड़ सिस्टम नहीं देगा, उसके लिए हाई लेक्यू तरीका थोड़ा सा लेंथी है, वो हम आगे क्लास में बताएंगे। उसी तरह से डेट है, आप जो भी डेट डाल दिए यहाँ पे, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ डेट डाल देता हूँ, तो डेट भी फॉर्मेट तो है ही। इसके अलावा आप यहाँ कस्टम में डी से डेट, एन से मंथ एंड वाई से ईयर, इसको अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर मैं 3 बार डेट डाल दूंगा तो संडे मंडे आ जाएगा, 4 बार डाल दूंगा तो ट्यूजडे वेडनेसडे आ जाएगा, और इसको मैं वापस रिपीट भी कर सकता था कि हमें 2 बार डीटी कर दिया ना सर, तो ट्यूजडे 26 आ गया। ऐसे मंथ अगर 2 बार देते हो 0-1-2 फॉर्मेट में आता, 3 बार देते हो तो जैन फैब शॉर्ट में आएगा, 4 दोगे तो कंप्लीट आएगा अप्रैल। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ को मंथ पहले लिख दीजिए, ईयर बाद में लिख दीजिए, बीच में डेट गुजार दीजिए, 2 बार ईयर लिख दीजिए, तो आप अपने जो DDMMYY का जो कोड मिला है उसको आप अपने अरेंज से अपने सीक्वेंस से आराम से इसको कर सकते हैं। और जब डेट हो सकता है तो टाइम भी हो सकता है, टाइम में भी आप जो है HHMMSS को यूज कर सकते हैं, HHMM और SS को यूज कर सकते हैं, साथ में आप AM/PM को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है सर? ये जो थी हमारी, कुछ पूछा है सर? हेलो? नहीं नहीं सर। अब बारी आती है कि इससे आगे जो हमारा एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग है उसको पढ़ने के लिए आपको, उसको करने के लिए आपको पढ़ना होगा एक छोटा सा आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल के लिए आपको क्या करना है कि मैं आपको अभी भेज रहा हूं, ये आर्टिकल मेरा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का है, इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये आर्टिकल आपको माइक्रोसॉफ्ट का है, इसमें कस्टम फॉर्मेटिंग के सारे, आप इस पे क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा सर। ठीक है, ये इसमें कस्टम फॉर्मेटिंग की पूरी डिटेल में बताई गई है, इसको एक बार पढ़ ले तो एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग जो है हम कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है सर? ठीक है, ठीक। इंद्रा जी बता दीजिए क्या है, आनंद जी आपका क्या है? सर वो wiki.gorai है सर। अच्छा
विकी डॉट गुराई जीओ सर वो नीचे जो है ना सर विकी डॉट आपका क्या है सर गौरव हेल वन टू ये भेज दिया मैंने आपको व्हाट्सएप भेज दिया ये आर्टिकल पढ़ लीजिए फिर हम कल मिलते हैं और कल इससे आगे चीज पढ़ेंगे ठीक है सर ठीक है ठीक ठीक बाकी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में भेज देता हूँ व्हाट्सएप पर ओके।